हेलो हेलो मैम, मैं पेटीएम के हेड ऑफिस से सुनील अग्रवाल बात कर रहा हूँ। जी बताइए। मैं आपके पेटीएम अकाउंट के केवाईसी के रिगार्डिंग कॉल किया मैंने। अच्छा, लेकिन भैया मैंने पेटीएम केवाईसी करवाया हुआ है एंड इट्स वर्किंग फाइन। मुझे पता है मैम, पर गवर्नमेंट का रूल है कि हर कंपनी को अपने कस्टमर्स का केवाईसी फिर से 3 साल में रिन्यू करवाना पड़ता है, तो इसीलिए कॉल किया आपको। अच्छा ठीक है, तो आप किसी को घर भिजवा दीजिए, मैं घर से करवा लूंगी केवाईसी। मैम मुझे माफ कीजिएगा, पर कोविड के चक्कर में हमने होम केवाईसी बंद किया हुआ है और हम डिजिटली ही केवाईसी कर रहे हैं। और मैम सिर्फ 2 मिनट लगेंगे, मैं आपका फोन पे केवाईसी कर दूंगा, वो भी पेटीएम ऐप से। रहने दो भैया, मैं बाद में करवा लूंगी, जब आपकी होम केवाईसी सर्विसेज शुरू हो जाएंगे ना, मैं तब करवा लेती हूँ, अभी रहने दीजिए। मैम पर एक मिनट सुनिए मैम, वो सर्विस पता नहीं कब शुरू होगी, और माफी चाहूंगा ये बताने के लिए कि अगर आपने अभी केवाईसी नहीं कराया तो अगले 24 घंटे में आपका पेटीएम अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा और आपके वॉलेट में जितने पैसे वो भी ब्लॉक हो जाएंगे, फिर आपको केवाईसी कराना पड़ेगा उसको ओपन करने के लिए। तो मैम अभी केवाईसी करा लीजिए, सिर्फ 2 मिनट लगेंगे। ठीक है भैया, आप करवा लो, बताओ क्या करना है। ग्रेट मैम, तो मैम सबसे पहले आप एक ऐप डाउनलोड कीजिए जिसका नाम है एनी डेस्क। एनी डेस्क वो तो एक रिमोट एक्सेस ऐप है ना, जिससे आप मेरे फोन को रिमोटली एक्सेस कर पाओगे। बट व्हाई विल आई शेयर माय एक्सेस विद यू। मैम मैं आपका सिर्फ फोन देख पाऊंगा, उसको एक्सेस नहीं कर पाऊंगा, और मुझे आपका फोन देखना जरूरी है मैम, क्योंकि मेरे को आपको बताना पड़ेगा कि केवाईसी के लिए आपको क्या क्या करना है, तो इसीलिए आपका फोन देखना है मैम। इट्स टोटली सेफ। अच्छा ठीक है, मैं करती हूँ अभी डाउनलोड, एक सेकेंड। ग्रेट मैम। जी भैया, हो गया डाउनलोड। एक सेकंड मैम। तो मैम उसमें एक 9-डिजिट कोड होगा, वो जरा बता देंगे प्लीज। एक सेकंड। जी 27561। दिख गया मुझे मैम, मतलब आपका फोन दिख रहा है मुझे मैम। तो मैम एक काम करिए, पेटीएम ऐप पे जाइए अपने। ओके। मैम एक काम करिए, अब अपने वॉलेट में अपने अकाउंट से 1 रुपए ऐड कीजिए, और मैम ध्यान रखिएगा किसी नए डेबिट या क्रेडिट कार्ड से ही ऐड कीजिएगा, मतलब जो ऑलरेडी एडेड है इसमें आपके डेबिट या क्रेडिट कार्ड, उससे ऐड मत करिएगा। लेकिन भैया मेरे वॉलेट में ऑलरेडी पैसे है, तो मैं फिर क्यों ऐड करूँ उसमें और पैसे, और वो भी एक दूसरे कार्ड से। मैम प्लीज, मैं जितना बोल रहा हूँ उतना कीजिए, क्योंकि मुझे चेक करना कि आपका पेटीएम अकाउंट एक्टिव है कि नहीं, और वो नए डेबिट या क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं। तो मैम आप करिए ना, केवाईसी भी करना है ना। ठीक है भैया, अभी मैं करती हूँ, एक सेकंड। मैम आपने ऐप एग्जिट क्यों कर दिया, और ये नोट्स क्यों खोला आपने? अरे भैया एक बहुत जरूरी चीज मुझे याद आ गई, बस एक सेकंड लगेगा, मैं इसको फटाफट लिख लेती हूँ, फिर करते हैं केवाईसी, है ना? ठीक है मैम, पर जल्दी कीजिए, मुझे और भी कस्टमर्स का केवाईसी करना है। हाँ हाँ जी जी। साले कुत्ते कमीने फ्रॉड, तू मेरा पेटीएम केवाईसी करेगा? लोगों को बेवकूफ समझा है तूने, जो तेरे झांसे में आएंगे। मैम क्या क्या लिख रही हैं आप, किसके लिए लिख रही हैं? अरे अभी और भी है, रुक जा। सुअर की औलाद, मेरे पैसे मारेगा तू पीसी एमसी, आज के बाद कभी मुझे या किसी को स्कैम के लिए फोन किया ना तो फोन में घुस के मारूंगी। ओ मैडम, ये आप ये किसके लिए लिख रही हैं? नहीं करना मुझे आपका केवाईसी। अभी ओ हीरो हीरालाल, सुन तू मुझे ये बता, कौन करता है फोन से केवाईसी? हाँ, और तू मेरे फोन का एक्सेस लेके मेरे कार्ड डिटेल्स मंगवा के क्या करता? मेरा बैंक अकाउंट खाली करता? हाँ, और पता नहीं क्यों सारे फ्रॉड कॉल्स मुझे ही आते हैं। अभी सुन अकल के अंधे, ये जो हमारा कॉन्वर्सेशन था वो तो मैंने रिकॉर्ड कर लिया है, और पुलिस के पास भी इनफैक्ट चला जाएगा, और सबसे इम्पोर्टेंटली सोशल मीडिया पे डालूंगी ताकि दूसरे लोग तेरे जैसे फ्रॉड के चक्कर में ना पड़े, समझा? ओ सुन, ये तेरी ना धमकी और डरने वाला नहीं मैं, ठीक है ना? ये करता है और करूंगा,
ये धमकी वमकी ना मुझे मत दे, मैं डरता नहीं किसी से। क्या तुझे डर नहीं लगता किसी से? बेटा तुझे तो मैं अब डराती हूँ, तूने ना गलत लड़की से पंगा लिया है। तू अब सुन, साले फ्रॉडी कुत्ते, उल्लू के पट्टे, सुअर की औलाद, यू बास्टर्ड, तू गंजा हो जाए, तुझे तेरे कपड़े बिक जाए, तेरे ऊपर कीड़े पड़े, तुझे पुलिस ऐसी ऐसी जगह मारे ना कि तू बैठ ना पाए, तू अब बाहर में जा, फोन रख। सुना तो नहीं किसी ने? अरे आज का कोटा तो हो गया मैं। देयर हैव बीन अ लॉट ऑफ केसेस जहाँ स्कैमर्स कॉल करते हैं पेटीएम एग्जीक्यूटिव्स बनके और कहते हैं आपका केवाईसी करेंगे, और बहुत केसेस ऐसे भी हैं जो लोगों को मैसेजेस आए हैं कि अगर आपको अपना पेटीएम केवाईसी कराना है तो उस पर्टिकुलर नंबर पर कॉल करिए। प्लीज़ रिमेंबर दोज आर फेक मैसेजेस। अगर आप उस पर्टिकुलर नंबर पर कॉल करते हैं या कोई स्कैमर पेटीएम एग्जीक्यूटिव बनके आपको कॉल करता है, दे विल कन्विंस यू टू डाउनलोड एप्स लाइक एनी डेस्क, टीम व्यूअर और एनी अदर रिमोट डेस्क ऐप। और दीज ऐप्स जो है अगर आप उनको डाउनलोड करेंगे, एक 9-digit code होता है, वो 9-digit code मांगते हैं आपसे। अगर आपने उनको एक्सेस ग्रांट कर दिया तो वो आपका पूरा फ़ोन देख पाएंगे, एंड इफ़ यू एंटर एनी कार्ड डिटेल्स और एनी बैंकिंग डिटेल्स तो वो सारी डिटेल्स देख लेंगे और उसका मिसयूज़ करेंगे। इन शॉर्ट दे कैन एम्प्टी योर बैंक अकाउंट। एंड ऑल्सो पेटीएम केवाईसी कभी भी डिजिटली या फ़ोन पे नहीं होता। पेटीएम केवाईसी सिर्फ दो तरीकों से हो सकता है, ईदर अ पेटीएम एजेंट कम्स टू योर हाउस और देर आर ऑथराइज पेटीएम केवाईसी सेंटर्स जहाँ पे जाके आप अपना पेटीएम केवाईसी करवा सकते हैं। सो ऑलवेज रिमेंबर, बी इट पेटीएम और एनी अदर बैंकिंग ऐप, नेवर गिव देम रिमोट एक्सेस टू योर फोन, बिकॉज योर सेफ्टी इज इन योर हैंड। सो ऑलवेज बी अवेयर। सी यू नेक्स्ट वीक।